घोसी उपचुनाव में सपा की जीत या योगी का कोई दाव, क्या है वो बात जिसे नहीं समझ पा रहे लोग। मायावती घोसी में बन सकती थी किंग मेकर, फिर आखिर वक्त में क्यों किया वो ऐलान, हो गया खेल। क्या अंदर खाने मायावती ने चली कोई चाल या शिवपाल ने कर दिया कोई कमाल, क्या है असली वजह। घोसी में जो उम्मीद थी नतीजा उसके बिल्कुल उल्टा आया। जिस सीट पर कुछ महीने पहले तक दारा सिंह चौहान विधायक थे, उस सीट पर उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या वास्तव में ये सपा की जीत है या फिर योगी ने कोई दांव खेला है या फिर मायावती ने कोई खेल कर दिया है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार की असली वजह क्या है। तो इसे समझने के लिए आपको पहले इस सीट के जातीय समीकरण को समझना पड़ेगा, फिर आपको बीजेपी की इस बार की पीछे की असली वजह समझ आ जाएगी। 4,20,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 85,000 हैं, दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और चौहान वोटर करीब 46,000 हैं। इस जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो बीजेपी की जीत बहुत आसान हो जानी चाहिए थी, क्योंकि साल 2022 में जब घोसी सीट पर चुनाव हुए थे तो उस वक्त सपा से दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी। उस वक्त दारा सिंह चौहान को कुल 1,08,430 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के विजय राजभर को 86,214 वोट मिले थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर रहे थे बीएसपी के वसीम इकबाल को 54,248 वोट मिले थे। अब सवाल खड़ा होता है कि जिस सीट पर कुछ महीने पहले दारा सिंह विधायक थे, वहां पर उन्हें हार का सामना कैसे करना पड़ा। क्या मायावती ने कोई खेल कर दिया या फिर शिवपाल की फील्डिंग को बीजेपी भेद नहीं पाई, तो ये भी समझिए। दरअसल इस चुनाव से पहले मायावती ने एक ऐलान करते हुए अपने वोटरों से कहा था कि वो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट ना करें, अगर वोट करने जाएं तो नोटा का बटन दबाएं। तो क्या घोसी सीट के 70,000 दलित वोटरों ने मायावती की बात सुनकर ही वोट नहीं किया और उसी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। अगर मायावती वो ऐलान न करती तो शायद दलितों की वोट बीजेपी को मिल सकती थी और नतीजा कुछ और हो सकता था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मायावती चाहती तो इस चुनाव में किंग मेकर बन सकती थी। वैसे मायावती उपचुनाव में नहीं उतरती हैं, लेकिन अगर इस चुनाव में वो अपना कोई उम्मीदवार मैदान में उतारती तो नतीजा पलट सकता था। इतना ही नहीं, इस जीत को शिवपाल की बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव ने घोसी चुनाव में पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल ने अपनी मेहनत के दम पर घोसी में मुस्लिम और यादव वोटरों को एकजुट करने का काम किया। इन दोनों वोटर्स के एकजुट होने से सपा को बड़ी बढ़त मिली। वैसे भी शिवपाल यादव को सपा का जमीनी नेता माना जाता है। मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद डिंपल को जीत दिलाने में शिवपाल का बड़ा योगदान रहा था। ऐसे में इस जीत के बाद भी इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव में शिवपाल ने बड़ा खेल किया हो। वैसे भी इस चुनाव में बीजेपी और सपा की साख की लड़ाई थी और दोनों पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तो क्या 2024 से पहले घोसी किरण में मिली इस शिकस्त को बीजेपी की शिकस्त मान लिया जाए, क्या इस हार को योगी की हार के तौर पर देखना सही होगा और क्या घोसी में मायावती के बयान के चलते बीजेपी के साथ खेल हो गया। इन तमाम सवालों पर इस वक्त चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यह हार 2024 में आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है जिसे कोई नहीं समझ पा रहा है। वैसे आपका बीजेपी के इस हार को लेकर क्या कहना है और इस हार की असली वजह क्या मानते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।